वाइफ भी हूँ, उसके साथ मैं अपनी शॉप भी संभालती हूँ और मैं ऑनलाइन बिजनेस भी करती हूँ। मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे। इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, जैसे कि कुकिंग करना, जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पानी के बताशे बनाना सीखूंगी। मुझे चाट बहुत पसंद है, मैंने बताशे बनाना सीखा, फालूदा बनाना सीखा, मैंगो कस्टर्ड बनाना सीखा, जलेबी सीखी, मट्टी सीखी और मैंने अपना टाइम मैनेज किया। मैं मॉर्निंग सुबह जल्दी उठती हूँ, नाश्ते को देर से सोती हूँ और मैं रात में डिसाइड करके सोती हूँ कि मुझे सुबह मॉर्निंग नाश्ते में क्या बनाना है, रात में क्या बनाना है, मैं भी तैयारी के हिसाब से और आप लोग इस पर टाइम मैनेज करके चलेंगे तो सब कुछ हो सकता है। लॉकडाउन में बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मेरी फ्रेंड दसवीं वर्मा से मेरी मुलाकात हुई थी, उसमें बात हुई, उसने मुझे कुक पैड के बारे में बताया। जिससे मैंने कुक पैड ज्वाइन किया, मैंने अपनी रेसिपी लिखी, कुक पैड ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी रेसिपी लिख रही हूँ, लोगों को तक पहुँचा रही हूँ और सब लोग मुझे धीरे धीरे जानने लगे हैं। ये सोचते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू कुक पैड, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गीता गंभीर, मैं एक हाउसवाइफ हूं, मेरी 2 डॉटर्स हैं एंड मैं इंडिविजुअल फैमिली में रहती हूं। आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से सब जगह बंद है, तो फिर बच्चों की भी छुट्टियां हैं, हस्बैंड की भी हॉलिडे है एंड सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बच्चों की भी अलग अलग फरमाइश होती है डेली कि हमें ये बना दो, कभी छोले भटूरे बना दो, कभी कुछ बना दो। सो आपको वो चीज़ें भी बनानी है, साथ में अपना मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है जिसमें मैं टिफ़िन सर्विसेज का है, उसमें मैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। सो अब आपको पता ही, आजकल छुट्टियों की वजह से टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट ठीक है, अगर आप मन में सोच लें कि अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं बहुत ईजीली। मैं भी अपना बच्चों के उठने से पहले ब्रेकफास्ट एंड लंच तैयार करके रखती हूँ, ताकि बच्चे जितनी देर में उठते हैं फिर उनका देखना, उसके बाद उनकी क्लासेस, उनका होमवर्क भी मैनेज करना है आपने, साइड बाय साइड आपको अपना ये टिफिन्स का काम भी करना है, तो फिर आपको चीज़ें मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। कहता ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आप मन में सोच लेंगे कि आपको ये काम करना है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में सफलता ज़रूर पाएंगे। सो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, फैमिली, क्योंकि फैमिली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो मेरे को है कि मेरे को बच्चों को भी कराना है, उनके जब वो उठते हैं, बाकी जब उनका रेस्ट का टाइम होता है तो मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। डिलीवरी बॉय आता है, सामान लेता है और चला जाता है। आजकल मास्क वगैरह पहन के प्रॉपर और ग्लव्स पहन के हमें प्रॉपर खाना बनाना होता है, क्योंकि हमें हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि करें। बाकी जितना हो सके, फ्रेंड्स आपके लिए भी है, आप जितना हो सके प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड, मत जाइए बाहर। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो ही जाइए। मैं भी अपना वेजिटेबल्स वगैरह लेनी होती है, मैं इकट्ठे 10 केजीज, 15 केजीज, 20 केजीज मैं इकट्ठे ला के रख देती हूँ, अनियन, पोटैटो, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते। इसी तरीके से एटलीस्ट 3-4 डेज़ में एक बार जाना पड़े, कुछ ऐसा मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैं करती हूँ कि 3-4 डेज़ में एक बार ही मुझे जाना पड़े, ताकि मैं सारा सामान इकट्ठे ले आऊँ। बाकी पैकिंग वगैरह सब चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं। बाकी थैंक यू कुक पैड, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बता पाऊँ। एंड कुक पैड पर मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं, एंड थैंक यू कुक पैड। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। माय नेम इज दयाड़ी, आई एम फ्रॉम गुजरात। मैं स्टूडेंट हूँ और साथ साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट का भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे मैं वो भी करती हूँ और मैं स्टडी भी करती हूँ और कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है तो वो भी करती हूँ मैं। और मेरा छोटा सा एक क्राफ्टिंग का बिजनेस भी है, ऑर्डर के बेस पे मैं सारा वर्क करती हूँ। और आज मैं आपके साथ पूरे लॉकडाउन की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पूरे लॉकडाउन में क्या क्या किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए और किस तरह सारा मैनेज किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो लॉकडाउन में मैंने नई नई डिशेज ट्राई की, नए नए कुकिंग में कंटेस्ट में पार्ट लिया और क्राफ्टिंग का भी किया और स्टडी का भी किया, इस तरह सब किया। और लॉकडाउन का हाफ लॉकडाउन गया तो मेरी दादी एक्सपायर हो गई, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया सब मैनेज करना और पूरा माहौल ही चेंज हो गया। फिर धीरे धीरे सब रूटीन में आ गए, फिर सब इस तरह पहले की तरह सब चलने लगा। और फिर नए नए सब क्राफ्टिंग किए, सब आइडियाज से आए, इस तरह मैं कुकिंग किया, इस तरह मैंने सब किया और स्टडी भी साथ में किया। और जब हमारे लाइफ में जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें भी वो सब मैनेज करना है, हमें ही सीखना है। और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे आगे बढ़ पाएंगे, तो इस तरह में प्रॉब्लम्स ही जरूरी है हमारी लाइफ में,
तो इस तरह पूरा मैंने मैनेज किया लॉकडाउन में। और मैं 10 साल की थी तब से मैं कुकिंग करती आई हूँ, और फिर नई नई डिशेज देखती हूँ तो मैं नई नई डिशेज ट्राई करती हूँ और सबको खिलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती रही इस तरह, और स्टडी का भी करती रही, और क्राफ्टिंग में मुझे इस तरह इंटरेस्ट आ गया और क्राफ्टिंग का भी करती रही। और मैं करीबन 1 साल से कुकपेड के साथ कनेक्टेड हूँ और अपनी रेसिपीज सब शेयर करती हूँ और दूसरों की सब इस तरह की रेसिपीज देखती हूँ, फूड फोटोग्राफी देखती हूँ, तो इससे इंस्पायर मिलता है कि हम भी ऐसे मैं भी इस तरह का कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरह नए नए आइडिया आते रहते हैं और नई नई डिशेज ट्राई करती रहती हूँ और नए नए कंटेस्ट में भी पार्ट लेने को मतलब मजा आता है। और इस तरह का सब मैंने लॉकडाउन में सीखा है। और आप भी अपनी स्टोरी कुकपेड के साथ शेयर कीजिए और आप भी दूसरों की स्टोरी देख के इंस्पायर होइए। आपकी स्टोरी देख के कोई भी इंस्पायर हो सकता है, तो इस तरह आप भी अपनी स्टोरी कुकपेड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।